मुरादाबाद महानगर में दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग साइंसेज FOECS के सभागार में आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड एक्रीडिटेशन पर एक दिनी सेमिनार में KIIT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुरुग्राम के कैंपस डायरेक्टर एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर PS ग्रोवर ने PPT के माध्यम से परिणाम आधारित शिक्षा और एक्रीडिटेशन के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि समेत TMU के कुलपति प्रोफेसर RK मुदगल, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवीर सिंह, कॉलेज के निदेशक एवं प्राचार्य प्रोफेसर RK द्विवेदी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आशेंद्र कुमार सक्सेना और प्रोफेसर रमेश चंद त्रिपाठी ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलन करके सेमिनार का श्री गणेश किया। तुलसी का पौधा देकर मुख्य अतिथि प्रोफेसर ग्रोवर का स्वागत किया गया। अंत में प्रोफेसर ग्रोवर को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर वक्ता बोले कि आज के परिवेश में परिणाम आधारित शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सकारात्मक सोच और कार्य दक्षता विकसित करने के साथ साथ रोजगार मुहैया कराना है। उन्होंने परिणाम आधारित शिक्षा के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को उपयोगी बताया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए हमें लगातार सीखते रहने की आवश्यकता है। परिणाम आधारित शिक्षा में शिक्षक, छात्र और संस्थान के लिए कई फायदे हैं। इनमें शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक तरीका प्रदान करना, नए और मौजूदा कार्यक्रमों की स्वीकृति और मान्यता सुनिश्चित करने में मदद करना, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना, छात्रों को स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने में मदद करना, छात्रों को उनके कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान, कौशल और अनुभव को स्पष्ट करने के लिए एक साधन प्रदान करना, सहयोगी पाठ्यक्रम योजना के लिए एक ढांचा प्रदान करना, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन और सुधार के लिए एक उपकरण प्रदान करना और स्नातकोत्तर और सतत शिक्षा के बीच निरंतरता को प्रोत्साहित करने में मदद करना मुख्य है। सेमिनार में FOECS के डॉक्टर अंबुज कुमार अग्रवाल, शंभू भारद्वाज, डॉक्टर दानिश अथहर, डॉक्टर संदीप वर्मा, प्रोफेसर विद्युत चटर्जी, मनीष ढींगरा, प्रियांक सिंघल, रूपल गुप्ता, प्रोफेसर SR अली के अलावा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टिमिट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी तथा डेंटल कॉलेज के शिक्षक उपस्थित रहे। अंत में प्रोफेसर रमेश चंद्र त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। सेमिनार का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। ये बात उल्लेखनीय है कि MHRD के मुताबिक 2024 तक 50% कोर्सों को NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन से मान्यता लेनी होगी। Now, another issue is university's ranking system is meant to create knowledge. Now, to create knowledge, what are the requirements? We have many universities. I have the opportunity of God, grace, visiting at least more than 100 institutions, universities, colleges, interacting with staff. We are not able to see what are the limitations which are not allowing us to go fast. Our students are good. Our teacher faculty is good. So we have infrastructure is, I would say, not very good, but quite reasonable. There are many managements which are very progressive. But still we are not able to do that. Have we ever given a thought to this aspect? Why some universities, good universities are good? Why people become innovators? If we apply, if you talk to a student, they will and ask them to give candid reply. So when we go for MBA, this is an interview, a session with a student. Nobody is there. And this is mind to mind talk. Then they sir, kya fayda is padhne se? Yahan par hame sirf imtihan to pass karna hai. Agar placement mein jana hai, humko thodi si training de denge aur placement ho. Wo bhi to theek hai, ye bhi to theek. That means there is no ownership of what is being taught. Of what is being done by the students.
Now, not only we are passing this kind of environment, many countries have passed this. Even US have passed this. Now, since the Indian philosophy says flow experience is a life, or experience is a unit of life. If we have good experience, we have good life. If we have number of experiences are good, our quality of life is treated as good. And when we cease to have experience, we cease to have life also. That's another real fact of life, right? And third was experimentation aspect of things. To create conditions of evidence base, you have to look for scaling of the things. And that is how this particular thing has become so important for us to really align, that knowing is one aspect, doing is another aspect. Knowing is not doing, and doing is not knowing. We all know the basic formula for driving a car, A, B, C. All know, na? Accelerator, brake and clutch. This is knowing. Can we drive it? With this much knowing, can we drive a car? It's very, very difficult, because it has to be translated into doing. But knowing will really translate into doing by doing only. By knowing only, it is not going. What is the purpose of this curriculum? Because the curriculum itself is drawn from what you want your students to be, what they would like to do. That means you draw a curriculum based upon certain broader education goals. Now, some of the words which can come out in our mind is, one of them say, students want to be employable. Some they want to be entrepreneurs. Some of them acquire knowledge so that they can compete in government jobs or somewhere else. You know, these are three broader, or some of them actually wants to get into generating knowledge in the future. Four basic broad parameters of any educational, purpose could be. Now, based upon these four broad parameters, universities or institutions can choose a one or two. So what goes currently see around our country, it's more focused on employability. There's hardly an institution which talks of generating knowledge or creating knowledge. He is associated with KIIT, Group of Institution, Gurgaon. However, his earlier tenure was with University of Delhi, and he is the renowned academician in the area of computing sciences. He establishes the department. He is the integral part of National Board of Education. Now, he is not new for us. He has understood the dynamics of TMU and syllabus, outcome-based education. These things he is taking care, and since last 6 months he has conducted various workshops, seminars. Personally, he guided each and every department.